नमस्कार दोस्तों, बीबीसी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो हम बात करने वाले हैं आज, इसमें हमारे पास जितने जो फेक न्यूज के स्टेक होल्डर्स आप जितने हो सकते हैं, चाहे उसके शिकार कहिए या उनसे लड़ने वाले कहिए, वो सब हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं। दरअसल ये जो फेक न्यूज का पूरा मुद्दा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाकर एग्जाम में लिखना है, आप इसलिए सुनने से जाके बाद में आपसे कोई सवाल जवाब करेगा, ये उससे बहुत आगे की बात है। ये हमारी जिंदगियों के बारे में बात है। आप देखिए, जो हमारा जो रिश्ता एक किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का रिश्ता होता है, वो बनने में कितना वक्त लगता है, सालों लग जाते हैं। पहली बारी में तो कोई दोस्त नहीं बनता, पहली बारी में कोई पड़ोसी नहीं बन जाता। सालों के जो स्लो प्रोसेस है एक रिश्ता बनने का, एक फेक न्यूज के जरिए, सिर्फ एक छोटी सी खबर के जरिए किस तरीके से पूरा रिश्ता टूट जाता है, किस तरह से एक पड़ोसी और एक दोस्त अपने दोस्त और पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है। जो हमने सबने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगे आपके उत्तर प्रदेश की घटना है, जो कि एक व्यक्तिगत कोई पारिवारिक मामला किस तरीके से पूरे दंगे में बदल गया, ये फेक न्यूज की वजह से। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है काम करते हैं, ये सुनियोजित होता है। ऐसे नहीं है कि आप आम आदमी है, आपने लिख दिया और आगे फैल गया, ऐसा नहीं होता है। ये किस तरीके से सुनियोजित है, किस तरीके से फैलाया जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। क्यों हमारी नागरिकता के लिए ये एक खतरा है, उसी के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ है रविश कुमार, आप सब जानते ही हैं, NDTV के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, एंकर हैं और वेल नोन पत्रकार हैं और ट्रोल नोन पत्रकार हैं। और हमारे साथ जितेन जैन है, साइबर एक्सपर्ट है, बहुत सारे कई सालों से इसी काम में सक्रिय हैं। जब हम लोग जानते भी नहीं थे फेक न्यूज़ के बारे में, सोशल मीडिया कंपनीज के बारे में, तब से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि जो पूरा जो फेक न्यूज़ जिस तरीके से फैलता है, प्रशासन का उसमें क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो इससे निपटने की तैयारी करते हैं, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आती हैं, उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर तनवीर जफर अली। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। एक फोटो हम दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे, और रवीश आप यहाँ सामने से देख सकते हैं। ये आपने क्यों बोला, ये जरा बताइए मुझे। ये मैंने कभी नहीं बोला, और जो मैंने नहीं बोला वो ज्यादा लोग चला देता है। तो ये एक प्रोसेस है प्रिया की, किस तरह से गलत सूचना के जरिए पहले मुझे इसी भीड़ में एलिमिनेट किया जाए और फिर मुझे एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और फिर उसके साथ साथ ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये जो भीड़ लोग यहाँ बैठे हैं, फिर उनको एक ख़ास तरह के पैटर्न, मतलब उस लीनियर में बहुत तरह के मैसेजेस दिए जाते रहें, ताकि इस तरह के प्रोसेस से एक दिन ये भीड़ उठे और इस बात पे भड़क जाए अपने आप और मुझे मार दे। तो इस लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है आइडियोलॉजी की तैयारी की, वो कहीं और होती है, लेकिन जब ये भीड़ मुझे मार देगी तो जिम्मेदारी उन पे नहीं आएगी, कहा जाएगा कि भीड़ ने मारा है। तो ये प्रोसेस है कि लोकतंत्र में एक आदमी जो सवाल कर रहा है उसको अलग थलग करना, और आप उसे अलग थलग के रूप में उसको देख पाएं, इसलिए आप हत्यारे में बदलना। आप कुछ भी हो जाएं, हत्यारा तो नहीं होना चाहेंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं होना चाहेंगे। एग्जैक्टली वो नहीं चाहते कि आप अपनी मर्जी से हत्यारा बने, इसीलिए वो एक डिज़ाइन के तहत तरह तरह के अफवाहों और ऐसी, उसका जो बेस है वो नफरत पे आधारित है, तो वो तैयार करते हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें हैं, वो बेसिकली कि हम लठैत पैदा कर दें जो सोचे नहीं, और खुद ही मुझे देखते ही ट्रिगर हो जाए कि ये कोई दुश्मन आया है तो इसको मारना हमारा फर्ज है। तो रवीश, लेकिन ये कोई एक ही, मतलब कोई एक ही तरह के लोग तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपके बहुत सारे जो आपके फैंस भी हैं या आई सपोर्ट रवीश कुमार सर के जो पेजेस हैं, वहां से भी आपके बारे में इसी तरीके के जो उन्हें बोलना होता है, आप ही का फोटो लगा के वो बोल देते हैं। मतलब ये कोई एक तरह से तो नहीं आ रहा ना, एक तरह ये दो तरफा है। हमें दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्केल किसके पास है, ये करते हुए पावर किसके पास है। तो वो जो फैन पेज से है, हालांकि मैं, वो लोग भी जब गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो लिखता हूँ, अव्वल तो मैंने यही लिखा कि मेरा कोई फैन ना बने, और किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। बहुत लोग हैं वो फिल्म में काम करते रहते हैं,
खिलाड़ी में रन वन बनाते रहते हैं, आप उनके फैन बने। पत्रकार और नेता, खासकर नेता से तो आप नींद में भी उसके फैन ना बने, वरना पहले के नेता जेब काटते थे, अब के नेता गर्दन उड़ा ले जाते हैं। तो गर्दन से मेरा मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं। आप खुद ही टेस्ट करो, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दूसरा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर दी गई है। तो वो एक भाषा है, लेकिन जिसके पास पावर है, जैसे अमित शाह, आज उनकी पार्टी के लिए दुख का दिन है, इसमें हम भी शामिल हैं, अनंत कुमार जी का निधन हुआ है, लेकिन उन्होंने तो खुद ही कहा कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम झूठ भी फैला सकते हैं, करना नहीं चाहिए पर किया जा सकता है, पर करना नहीं चाहिए। हाँ, और वो क्या बता रहे हैं कि अखिलेश ने मुलायम को चांटा मारा, ये अफवाह मेरे फोन में भी आया। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको स्वाभाविक रूप से उस फेक न्यूज के खिलाफ एक्ट करना चाहिए था। तो वो बता रहे हैं कि जब चल रहा था तो माहौल बन रहा था तो बनने दो। तो अगर पावर, अगर हम छोटे से समूह में दो लड़का वहां कर रहा, वो भी डेंजरस है, लेकिन अगर वही इकाई यूनिट एक पार्टी के अंदर खुल जाए और वही पार्टी में बदल जाए तो उसका खतरा इतना ज्यादा है जिसकी कल्पना करने की क्षमता हम सब में नहीं है। लेकिन आपने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया एक पार्टी के, उसके इस सवाल पे मैं दोबारा आपसे बात करूंगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तन्वीर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप खुद प्रशासन में रहे हैं और जब इस तरीके के जो अफवाहें फैलती हैं, सोशल मीडिया कंपनीज आने से पहले भी अफवाहें शुरू हुई थी तब भी फैलती थी, क्या चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के लिए, किस तरीके से काम होता है ये, जो जितना कैसे सुनियोजित ढंग से पूरी अफवाहें काम करती हैं? थैंक यू, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का, और मैं बीबीसी को बधाई देता हूँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। लेकिन मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे देश की जो चैनल्स हैं, अगर वो भी इस तरह का प्रोग्राम कुछ ऑर्गेनाइज करते या सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ प्रोग्राम कराए जाते तो और ज़्यादा खुशी होती है। सबसे समस्या बड़ी यही है कि बात हर कोई कर रहा है फेक न्यूज़ के बारे में, जो फैला रहे हैं वो भी कह रहे हैं फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये फेक न्यूज़ आज शुरू हुई है ऐसा नहीं है, फेक न्यूज़ का इतिहास बहुत पुराना है। मेरे फादर भी ब्यूरोक्रेट थे, मैं बहुत छोटा था जब, मुझे याद है वो बताया करते थे कि दंगे कैसे होते हैं उस ज़माने में, 60s में 50s में, कि वो मुस्लिम एरिया में अफवाह फैला दी कि भाई मस्जिद पे एक प्रतिबंधित जानवर कटा पड़ा है और चलो 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 निकलो निकलो। हिंदू एरिया में अफवाह फैला दी कि भाई मंदिर में एक जानवर कटा पड़ा है, चलो 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 निकलो निकलो। और वो अफवाह फैलाई जाती थी बड़ी दूर की, यानी अगर गोमती नगर वाला है तो उससे कहा जाएगा कि चौक में काटा है ताकि कोई जा भी ना पाए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, ये सब इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था। मैं देखिए, आप काफ़ी आप लोग सुन चुके हैं फेक न्यूज़ के बारे में, रवीश जी जैसे पत्रकार के साथ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, तो बहुत खुशी की बात है उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैं उससे पहले उप मुख्यमंत्री जी हमारे, उनका भी मैं सुन चुका, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी सुन चुका, DGP साहब को भी सुन चुका, सब ने ये कहा कि इसमें जागरूकता फैलाई जाए। देखिए, जागरूकता फैलाना एक अलग काम है, जब तक कड़ा से कड़ा कानून नहीं बनेगा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, ये फेक न्यूज़ फैलाना बंद नहीं होगा। IPC क्यों बनाई गई थी? दोषी को सजा देने के लिए। दफा 302 में मर्डर की सजा फांसी क्यों रखी गई थी? ताकि लोग उससे डरें। आज ऐसी सी फेक न्यूज़ फैलती हैं, 5-5 लोग मार दिए जाते हैं और आप कहते हैं कि खाली फेक न्यूज़ हो गई। तो जहां जैसे जर्मनी में इतना कड़ा कानून बनाया है उन्होंने, अगर फेक न्यूज़ या कोई कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल होगा तो मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन है वहां पे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर कानून ज़्यादा से ज़्यादा कड़ा होना चाहिए जिससे लोग डरें, वरना आप इसको, ये मॉन्स्टर इतना बड़ा हो चुका है कि इसको टैकल करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बात तो यही है ना कि सब जागरूकता सिगरेट पीने के बारे में फैलाते हैं, हमारी सरकारें भी चलाती हैं, पैकेट पे कानून बना दे कि पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखो कि कैंसर हो सकता है, लेकिन उसका ना प्रोडक्शन बंद करती है, ना फैक्ट्रियां बंद करती है, ना बेचना बंद करती है, लेकिन कहती है जागरूकता फैलाओ, ऐसे कैसे बंद हो सकता है? यही हाल फेक न्यूज़ का है कि आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ मत फैलाओ, जागरूकता फैलाओ उसके खिलाफ, लेकिन कैसे वो कहां से बन रही है, कैसे फैल रही है, उसके बारे में क्या सजा है, क्या प्रावधान है, वो कोई नहीं बता रहा है और उनसे किसी को मतलब भी नहीं है। तो जागरूकता तो यहाँ जितने लोग बैठे सब में ही है ही फेक न्यूज़ को लेके, लेकिन जब इन्हीं के खिलाफ शायद हो सकता है आजकल कोई आम व्यक्ति इसका शिकार हो, तो ये लोग कहाँ जाएं?
तो जितिन आप एक बात बताइए, जो सोशल मीडिया कंपनीज पे भी अब पूरा दबाव बनने लगा है, सरकारें कह तो रही है, हमारी केंद्र सरकार भी कह रही है उनको कि आप बनाइए, व्हाट्सएप को बोला कि कुछ कदम उठाइए, फेसबुक को बोला कुछ कदम उठाइए, क्या कदम उठाया, क्या जो अभी उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ 5 जो मैसेज है बस 5 ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये काफी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और अगर आप जो न्यूज को प्रोपोगेशन करने के 3 तरीके हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब 3 पॉपुलर मीडिया में फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है। अब अगर आप हकीकत देखना चाहें, यहाँ पे जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी लोग बैठे होंगे, जब आप एक व्यक्ति को मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो जब आप भेजते हैं तो 1 टिक आता है, उसको जब पहुंच जाता है तो 2 टिक आते हैं, पढ़ लेता है तो ब्लू टिक आता है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मैसेज को ट्रैक कर पा रहा है, खुला नहीं खुला ये बात अलग है। अब जब उन्हें कहा जाता है कि आप भाई साहब फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई कीजिए, तो कहते हैं देखिए साहब हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, हम इसके बीच में कुछ पढ़ते नहीं है, हमारे लिए संभव ही नहीं है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिना किसी मैसेज को पढ़े भी उस मैसेज को रोका जा सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी कंटेंट को, स्पेशली फोटो अगर वीडियो हो, उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट किया जा सकता है, उसका साइज कितना है, उसके अंदर कंटेंट कितना है, कितने सेकंड की क्लिप है, कहां से ओरिजिनेट हुई। जब भी आप उसको अलग अलग मोबाइल पर अलग अलग कंप्यूटर पर ले जाइए, हमेशा उसका यूनिक वैल्यू वो सेम रहेगा। तो कई जगह ये सुझाव दिया गया कि आप हर पहली बार जो आप व्हाट्सएप पे आप पाएंगे कि जो फोटोज जो आती हैं, वीडियो जो आते हैं, 99.5% कंटेंट जो है वायरल है, रिपीटेड है। खाली 0.5% के उससे भी कम जो है नया कंटेंट अपलोड होता है, बाकी सब फॉरवर्ड चल रहा है। तो ये कहा गया जब भी कोई वीडियो या फोटो पहली बार अपलोड होता है, आप उसका यूनिक आइडेंटिफायर नोट कर लें, किस आईपी एड्रेस से उसको अपलोड किया गया, किस मोबाइल नंबर से उसको अपलोड किया गया, उस चीज को आप सेव कर लें, ताकि अगर कोई मैसेज कल जाके फेक न्यूज के रूप में फैले या उससे किसी की जान चली जाए, और जब सरकार या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके पास आए और पूछे कि ये पहली बार किसने अपलोड किया था, तो आप ये बता सकें। ये ऐसा करने में कंपनियां नहीं करती, क्योंकि उनका एक कमर्शियल व्यापार का नुकसान है। जब तक न्यूज़ नहीं फैलेगा, आपके वाद विवाद नहीं होगा, मैसेज नहीं एक्सचेंज होंगे, उनका डेटा एक्सचेंज नहीं होगा। आप देखिए व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है, खाली डेटा के एनालिटिक्स के बीच पे ऐड बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन कंपनियों की नीयत की कमी है। यूएस में जब ये सब फेक न्यूज़ और इलेक्शन प्रभावित हुए, तो तुरंत कार्यवाही हुई, कहा गया जब भी कोई पॉलिटिकल ऐड देगा तो उस एडवर्टाइजर का नाम जो है बताया जाएगा। क्या 10 साल पहले जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे, फेक न्यूज़ फैल रहा था आसाम में, तब उनको ये याद नहीं आई? जब अमेरिका के अंदर चुनाव प्रभावित होते हैं तो एक अलग नीति है। जब डेवलपिंग नेशंस के अंदर, भारत जैसे जो उनका सबसे बड़ा एक कस्टमर्स का केंद्र है, 7 करोड़ से ज्यादा भारत के अंदर व्हाट्सएप के यूजर हैं, पर यहां जब किसी तरह की कार्यवाही करने की बात आती है तो कहते हैं बजट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ फैलाए जाते हैं। कहा जाता है आप ग्रीवियस रिड्रेसल ऑफिसर जो है, मतलब कोई शिकायतकर्ता जो अधिकारी है उसको आप अपॉइंट कर दीजिए, कोर्ट का आदेश होता है तो उसको आयरलैंड में अपॉइंट कर देते हैं, ताकि आप चिट्ठी में लिख सकें, उसका कोई फोन नंबर ईमेल आईडी नहीं है, व्हाट्सएप पे लिखिए, उनका मनमर्जी होगा तब जवाब देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें नीयत की कमी है, टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं है। तो जितिन आप जो कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं उनकी नीयत में कमी है, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि कौन उसको, किसने प्रोड्यूस किया है उस फेक न्यूज को, उसका पता लगा सकते हैं, उसका नंबर भी पता चल सकता है, सब पता चल सकता है? फेसबुक ने अभी खुद कहा है, अभी उन्होंने 150 हैंडल ब्लॉक किए यूएस मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, कहा कि ये शायद रशियन ओरिजिन से चल रहे थे और अफवाह और यू नो फेक न्यूज जो है यूएस इलेक्शन के अंदर फैला रहे थे। तो क्या ये भारत में संभव नहीं है? भारत में जो इतने हैंडल फेक न्यूज फैलाते हैं, उनको कभी आपने आइडेंटिफाई करके बताया कि ये हैंडल ये पाकिस्तान से, चाइना से चल रहे और ये फेक न्यूज फैला रहे हैं? नहीं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे एक अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद आपको हमेशा 15 साल से समझाया गया, अब एक तरह से अच्छी फेक न्यूज और खराब फेक न्यूज आपको समझाई जा रही है। जी, यानी कि जो कंपनियों की नीयत में कमी है, आप देखिए जो सरकारें हैं, सरकारों के पास आप ही की तरह बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, ऐसी तो बात नहीं, उनके बहुत रिसोर्सेज होते हैं, उन्होंने उनको बताया भी होगा, तो फिर क्या कारण है कि, मतलब फिर तो कुछ यही वजह है ना कि आप जानबूझ के या तो भ्रम में रहना चाहते हैं या लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम फेक न्यूज़ के मामले में कोई कदम उठा रहे हैं। मतलब आप उनको, सबने बताया होगा कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सोशल मीडिया कंपनियां नहीं काम कर रही हैं। देखिए इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भी गलती है, फेक न्यूज़ कोई नया नहीं है, अश्वत्थामा मारा गया है, महाभारत के ज़माने से फेक न्यूज़ चली आ रही है कि नहीं है? आप सभी के परिवार में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सुबह सुबह आपके माता पिता भी कभी ना कभी आपको वो ये खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, फलाना इतिहास में हुआ, इस तरह के मैसेज सुबह फॉरवर्ड आते कि नहीं आते हैं? आते हैं ना? क्या ये फेक न्यूज है? नहीं। आपके माँ बाप तो फेक न्यूज नहीं फैला रहे। तो एक फेक न्यूज की परिभाषा भी अभी तय नहीं है। क्या ये कह देना कि आप ये फलाना दवा खा लीजिए, आयुर्वेद का नुस्खा है, और ये कहना क्या फेक न्यूज है? या ये कहना कि बुलेट ट्रेन अब 3 साल बाद चलने वाली है, क्या ये फेक न्यूज है? या ये कह देना कि औरंगजेब अच्छा शासक था, बुरा शासक था, मुगल शासक जो थे अच्छे थे बुरे थे? हमारा आपका इतिहास का अपना अपना नजरिया हो सकता है, दूसरे का नजरिया फेक न्यूज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अर्ध सत्य है।
आपका अपना एक वर्जन, गलती से आगे फॉरवर्ड किया गया मैसेज, ये फेक न्यूज नहीं है। और जिसको आज हर चीज को आज फेक न्यूज ब्रांड किया जा रहा है, किसी की फोटो को एडिट किया गया, जैसे इनके ट्वीट के एडिट करके उनके गलत मैसेज डाले गए जो उन्होंने कभी कहा नहीं, या किसी के वीडियो को मॉर्फ किया गया, या एक नया दौर आया है डीप फेक वीडियोज, जहां एक व्यक्ति जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं, मशीन के द्वारा उसके वीडियो जनरेट किए जा रहे हैं गाली देते हुए, इस तरह के वीडियोस को जब आप देखेंगे, ये फेक न्यूज है जिसमें किसी के चीज को मैनिपुलेट किया गया है। आधा सत्य जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है उसको मुझे लगता है उसमें नहीं करना चाहिए। सरकार की जहां तक आपने बात करी, ये बात आप मानेंगे, फेक न्यूज रुकेगी कैसे? आप कहते हैं अगर आपके शहर में अगर क्राइम रोकना हो तो आप पुलिस को कहते हैं आप सड़क पर पेट्रोलिंग कीजिए, होता है ना? अगर आप कहेंगे पुलिस चुपचाप थाने में बैठे और अंदर बाहर निकले नहीं तो क्राइम कैसे रुकेगा? सरकारें जब चाहती हैं कि हम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करें तो कहा जाता है आप जासूसी कर रहे हैं जनता के ऊपर। ये आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझना होगा, अगर कोई सरकार ये कहती है कि वो आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना चाहती है, आपके फेसबुक के पर्सनल चैट पढ़ना चाहती है, या जो आपने ट्विटर में किसी को डायरेक्ट मैसेज किया है वो पढ़ना चाहती है, तो ये जासूसी है। मगर अगर वो कहते हैं कि जो आपने ओपन वॉल के ऊपर लिखा, जो आप सबको दिखाना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे वो फोटो अपलोड कर रहे हैं जो आप चाहते हैं पूरा विश्व देखे, आप कोई अपने ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं जो आप चाहते हैं सारे आपके जो फॉलोवर्स हैं उसको पढ़े, जो ओपन सोर्स कंटेंट है जो कहा जाता है, जब तक सरकारें ओपन सोर्स कंटेंट को मॉनिटर करना चाहें फेक न्यूज को रोकने के लिए, मुझे लगता है उसको जासूसी नहीं कहा जाना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। अब ये हुआ, सरकार ने जब कहा फेक न्यूज को रोकने के लिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेंगे, कई चैनलों ने कहा देखिए अब सरकार जनता के ऊपर जासूसी करना चाहती है, निगरानी करना चाहती है। जब तक आप और हम हर सरकार की नीयत को केस टू केस बेसिस के ऊपर नहीं समझेंगे, उनके अच्छे कदम और बुरे कदम में तो जहां उनका एक तरह से उनकी आलोचना करनी है या उनका कहीं पर सम्मान करना है, उस चीज को जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये समस्या रुकेगी नहीं। इसलिए आप भी फेक न्यूज ना फैलाएं, अगर आप चाहते हैं सरकार इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे तो अच्छे कदम है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, उसको आप करने दें। जितिन, आपने बहुत सही तरीके से अपनी बात रखी। रविश, आपसे मैं सवाल पूछूंगी, जब फेक न्यूज, ये जो प्रोपेगेंडा है, जो फेक न्यूज है, वो तो पहले विश्व युद्ध से पॉलिटिकल टूल है, तो जब पॉलिटिकल टूल इतना मजबूत और इतना बढ़िया पॉलिटिकल टूल मिला हुआ है हमारी सरकारों को और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो क्यों उसके लिए काम करेगी उसके खिलाफ? पहले मैं आपका एक जवाब दे दूं कि जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोले तो कौन सी पुलिस उनके खिलाफ FIR करेगी? जब प्रधानमंत्री ही फेक न्यूज फैलाने वालों को फॉलो करेंगे तो कौन सी पुलिस FIR करेगी, मुझे बता दीजिए। तो जब सरकार ही फेक न्यूज को या फेक तस्वीर को एक तरह से ऑथराइज करने लगे, मान्यता देने लगे, तो पुलिस उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर सकती, क्योंकि हमारी पुलिस उस तरह से नहीं बनाई गई है, उसकी उसी मानसिक और उसकी जो भी है तैयारी नहीं है। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है। जब आप एक बड़े से गैदरिंग में ये कह देते हैं कि भगत सिंह से मिलने कोई नहीं गया, तो वो एक झूठ है, और वो एक सामान्य झूठ नहीं है, वो बहुत सोच समझ के बोला गया एक झूठ है। और इस झूठ से मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो आपके अंदर एक नागरिक के भीतर एक बेस तैयार करते हैं। मैं कहता हूं कि क्या इस झूठ के बगैर आप प्रधानमंत्री को नहीं पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसके बगैर भी उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं, पर मैं ये समझना चाहता हूं कि उन्हें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक बात है, आज ज़रूर दुनिया में फेक न्यूज़ का दौर रहा, फ्रांस में एक 19वीं सदी की बात है कि देफ्रू अफेयर्स बड़ा फेमस अफेयर्स है, तो उसमें होता यह है कि फ्रांस की सेना बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही होती है, तो जो उसका कप्तान है एक देफ्रू, वो यहूदी है, और उसके खिलाफ एक अफवाह फैलाई जाती है कि इसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जर्मनी की सेना को दे दी हैं, जिसकी वजह से हमारी स्थिति ख़राब हुई है, और उसे देशद्रोह की सज़ा दी जाती है। और लेकिन जब बाद में पता चलता है कि नहीं, इसने नहीं किया, जो आर्मी चीफ था उसने इस तरह की अफवाह फैलाई है, तो अपने सेना के इंटरनल पॉलिटिक्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ये हुआ था। और यहीं से पब्लिक इंटेलेक्चुअल का एक रोल उभरता है प्रिया, कि पहली बार ऑथर्स राइटर्स उस यहूदी के सपोर्ट में आते हैं कि चूंकि ये आपके देश का माइनॉरिटी है तो आप इसे स्वाभाविक तौर पर इसे देशद्रोही शक नहीं कर सकते, आप प्रमाण दीजिए। हाँ, तो उसका क्या असर होता है, आप जाकर, अब ले चलता हूं मैं आपको अमेरिका, 2016 एक दिसंबर को एक खबर वेबसाइट पर छपती है कि हिलरी क्लिंटन पीडोफाइल हैं और लड़कियों के साथ यौन अत्याचार करती हैं, तो ये खबर छपती है और ये खूब वायरल होती है।
जहां पे जिस वेबसाइट पे बताया जाता है कि वॉशिंगटन डीसी में ये होटल है, रेस्तरा है, पिज्जा का रेस्तरा है और इसके बेसमेंट में बच्चों को बंद करके रखा गया है। फिर वो कई बहुत दूर के इलाके का एक आदमी उठता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हमें बच्चों को बचाने चलना चाहिए। हाँ, ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी तुरंत समझ में आएगी ये बात। तो वो उसके दोस्त मजाक उड़ा देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है और बचाने हम कौन होते हैं जाने वाले। लेकिन वो आदमी उठता है और एक सेमी ऑटोमेटिक बंदूक लेता है और उस रेस्तरां में पहुंचता है। पहले वो बेसमेंट खोजता है, उसको बेसमेंट नहीं मिलता है, लेकिन जहां सामान रखा हुआ है, रसोई का राशन का सामान, उसको गोली मार के दरवाज़ा तोड़ता है। फिर पीछे जाता है तो बच्चे हैं लेकिन खेल रहे हैं, मगर वहां पर बेसमेंट नहीं मिलता है। पर वो किसी को मारता नहीं, तो आप नॉर्मल हो गए कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन इसी अक्टूबर में क्या होता है कि एक नौजवान उठता है और चूंकि उसे एंटी मुस्लिम, एंटी यहूदी इतना फीड किया गया है लगातार पिछले 2 साल के अमेरिका में, कि वो इस सिनेगॉग में जाता है जहां अपनी पूजा अर्चना के लिए यहूदी लोग जमा हुए हैं और उनको गोलियों से भून देता है। उसी के साथ एक और आदमी है सीजर, जो उसकी नौकरी चली गई है, बेरोजगार है, कहां तो वो उसको नाराज होना चाहिए था अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों से या सरकार से, लेकिन लगातार नफरत के मैसेजेस के कारण वो वैन में रहता है, उसके पास अपना घर भी नहीं है। तो पूरा जो यहाँ जो व्हाट्सएप का जो मीम होता है उससे उसने अपने कार को पूरा स्क्रीन पे छाप रखा है कि मुझे हिलेरी क्लिंटन से नफरत है, मुझे CNN से नफरत है, ट्रंप जो है वो भगवान का अवतार है, ये सब है। और वो 14 ऐसे लोगों को पार्सल से बम भेज देता है। तो बिल्कुल ये संभव है, पहले भी फेक न्यूज़ के आधार पर अमेरिका ने स्पेन पे अटैक कर दिया था। एक नाव में, एक जहाज में, बेड़े में खुद से धमाका होता है, लेकिन अफवाह फैलाई जाती है कि फेक न्यूज़ के स्पेन ने अटैक किया है और अमेरिका ने 19वीं सदी के दौर में उस पर हमला किया है। तो लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है, हमला किया गया है। अब अंतर ये आया है कि हम बड़े स्तर पर ये खेल कर सकते हैं, हम बड़े स्तर पर एक साथ लाखों लोगों को सहमत कर सकते हैं और उनमें से एक दो लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे 10-20 लोग उसी फेक न्यूज़ के मटेरियल से बने हुए हैं जो जाकर पहलू खान या किसी को मार देते हैं और बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक। लेकिन वो नहीं देखते हैं कि एक बच्चा चोरी का अफवाह होता है तो वही सिस्टम काम करता है और वही लोग जाके हिंदू को भी मार देते हैं। तो एक तरह से एक पॉसिबिलिटी आपके अंदर बनाई गई है कि हम जब चाहें इस क्राउड को, मैंने एक तरह से प्रोग्राम कर दिया है, इसका रेफरेंस पॉइंट बदल दिया है। जैसे आपसे कहा जाए कि जर्मनी से क्या याद आता है तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ 1930 हिटलर का जर्मनी है और वो कंसंट्रेशन का कैंप है, ऑशविच है। हाँ, आज सुबह ये किताब पढ़ रहा था तो वो नोबेल प्राइज विजेता हैं 2002 के, तो वो समझा रहे हैं कि कैसे पूरा रेफरेंस पॉइंट बदल दिया गया। आपको उसके पहले का जर्मनी मालूम नहीं है कि उसका पहले का जर्मनी कितना अच्छा था, उसके बाद का जर्मनी मालूम नहीं है, लेकिन वो एक जर्मनी मालूम है। तो पूरा आपका रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, जैसे इस वक्त हो रहा है हिस्ट्री के जरिए, कि जैसे आज़ादी के समय के इतिहास को आप कॉन्ट्रोवर्सियल बना रहे हैं, आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चैलेंज करते तो आप सोर्सेज के साथ किताबें लिखते, सेमिनार करते, बात करते, लेकिन टीवी डिबेट में जाके कभी कहते हैं कि इस पटेल ने अन्याय कर दिया, तो कभी कहते हैं नेहरू ने पटेल के साथ धोखा दिया। ऐसा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से नहीं, पटेल और बोस से लड़ रहे थे। हाँ, और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पटेल और बोस को सेटल करने के लिए 10 साल जेल में रहे, नेहरू को और कोई काम नहीं था। तो ये, और ये नहीं बताया जाता है कि उनकी जीवनी में, आप राजमोहन गांधी की जीवनी पढ़िए तो बड़ा ही मार्मिक क्षण है। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों के कहने पे पटेल को जाना पड़ता है मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो। तो जाते वक्त जवाहरलाल नेहरू शाम को मिलने आते हैं, कहते हैं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। लेकिन सुबह उनसे NV गाडगिल मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे एक वादा करो, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। तो NV गाडगिल कहते हैं कि हाँ कहिए, मैं वादा करता हूँ। तो सरदार पटेल गाडगिल साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी में तो मैंने यही पढ़ा था कि मेरे बाद जवाहर अकेला हो जाएगा, तुम उसका साथ मत छोड़ना। और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उसमें ये लिखा है राजमोहन गांधी ने कि पंडित जी के साथ तुम्हारी जो भी डिफरेंसेस हों, तुम उनको छोड़ना मत। तो जो आदमी जिसको हम इस तरह से बाइनरी में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आखिरी दिन में 15 दिसंबर को उनका निधन हो जाता है और वो जा रहा है, तो हम फेक न्यूज़ को सिंबलाइज करते हैं। कैसे?
आपने वो मूर्ति बना दी। मूर्ति आप बना सकते थे, लेकिन वो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया क्या है? उस पूरी प्रक्रिया में चार साल में आपने पटेल को नेहरू के बरक्स खड़ा किया, छोटा बड़ा करके फिर उसको सिंबलाइज किया, तो वो मूर्ति तो है ही। तो हम और आप बहुत सारे लोग सरदार पटेल को निश्चल तरीके से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो एक तरह से वो एक डिज़ाइन है जो उसने एक पत्थर की तरह बना दी गई है, कि जो आपकी फेक समझ है हिस्ट्री की वो उसका कल्मिनेशन। तो इस प्रोसेस में वो मूर्ति बनी है, तो मुझे उससे ज़्यादा समस्या होती है। ऐसे उनकी मूर्तियों की कोई कमी नहीं है, और भी ऊंची बन सकती है, वो ऊंचे कद के नेता ज़रूर थे। तो बहुत तरह के आपके साइकोलॉजिकल, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो मैं जल्दी एक बात ख़त्म कर देता हूँ कि लोकतंत्र में सूचना और समझ का बड़ा रोल है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप एक गुलाम से भी बदतर हैं। अगर सूचना पहुँचने के माध्यम फेक हो जाएं और सूचनाओं को ही फेक कर दिया जाए तो फिर आप एक नागरिक के रूप में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 150 साल की आज़ादी की लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी स्थिति समझ और सूचना के स्तर पर गुलाम वाली बना लेंगे। तो सावधान रहिएगा, ये हंसने या मजाक करने की चीज़ नहीं है, ये किसी सरकार के आने और जाने से नहीं है, ये किसी के बड़े स्केल पे करने या किसी के छोटे स्केल पे करने की चीज़ नहीं है। ये जो आपने अपनी आज़ादी हासिल की थी कि तरह तरह के तर्कों और संदर्भों से आप सोचेंगे, उसको समाप्त करके एक सुरंग में आपको ठेलने की कोशिश है। अगर आपको सुरंग में जाना इतना अच्छा लगता है तो आपको मुबारक, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इतना जोखिम लेके आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। रवीश, आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये तो बताया जाता है कि नेहरू के बारे में जो जो गलत बातें हैं, जो फेक बातें, वो तो बताई जाती, लेकिन ये नहीं बताया जाता उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता, लेकिन जिनको बताना चाहिए वही उनके बारे में नहीं जानते हैं, वही उनके बारे में नहीं बताते हैं, जो उनका इनहेरिटेंस जिनके पास है वही उनके बारे में बात किताबें हैं। पटेल के बारे में अनेक किताबें हैं, नेहरू के बारे में अनेक किताबें हैं, दोनों के पारस्परिक संबंध, प्रतिस्पर्धा, सम्मान, सब पे अनेक किताबें हैं, आप जाके पढ़ सकती हैं। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी व्यापक स्तर पर या उससे जुड़े हुए समर्थक लोगों की टीम इस तरह की बातों को ज़्यादा पहुंचाती है तो वो बात एक यूनिवर्सिटी या क्लासरूम में खड़े इतिहास के प्रोफेसर की क्षमता से आगे चली जाती है। तो जहां वही भीड़ लौटकर जब क्लास में आती है तो वो सबसे पहले वो प्रोफेसर निहत्था हो चुका होता है, वो फेक हो चुका होता है कि झूठ से लैस उनका रेफरेंस पॉइंट बदल चुका होता है। जिस तरह से जर्मनी का रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑशविच है, कंसंट्रेशन कैंप है, उसी तरह से आपका रेफरेंस पॉइंट बदल चुका होता है। तो वो हिस्टोरियन भी ये जज करने लगता है कि अब क्या पढ़ा है, क्लास में मार खाए या वो जो पहले से जान के आ रहा है उसको कह दिया जाए कि हाँ सही है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, उस जानकारी के पीछे एक सत्ता और एक संगठन की ताकत हासिल है, इसलिए वो एक सामान्य जानकारी नहीं है, वो एक बम है जो छोटी सी चिंगारी से धमाका कर जी। आपकी वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा मतलब कहने का जोर ये था कि अगर इसको जो हमें लड़ना है, मान लीजिए पॉलिटिकली किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल गलत मैसेज दिया जा रहा है कि नेहरू या कोई और बड़े कद के नेताओं के बारे में, तो जिनके इनहेरिटेंस उनके पास है, जो आज की जो पार्टी है जिनके वही उसके बारे में बात नहीं करते हैं, शायद उन्हें ही नहीं पता है, वो कभी भी मैंने उनका कोई ट्वीट या कोई आर्टिकल देखा ही नहीं कि उसको डिबंक करते हुए कि नहीं ये बात ऐसी नहीं थी, वो ऐसे थे और वो ऐसे थे, कुछ होता ही नहीं है। मतलब बेसिकली ये बात सही है, आईटी सेल सबके पास है सर, आईटी सेल ये बात सही है कि कांग्रेस ने कभी नेहरू को ढंग से डिफेंड नहीं किया और कांग्रेस ने हिस्ट्री को डिफेंड नहीं किया, मतलब 3-4 साल निकल गए। कहा जाता है कि वो हिस्ट्री में काफी, अभी वो थरूर साहब कुछ किताबें ताबे लिख रहे हैं अंग्रेजी में अपने पढ़ने के लिए, लेकिन तो लेकिन ये जिम्मेदारी जब नागरिकों तक पहुंच रही थी तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी थी कि किताब पढ़ें। मैं खुद अपनी समझ से ये सीखा हूँ, इतने दौर में यही सीखा हूँ, मैं सोचता था कि लोकतंत्र में नागरिक होना फोकट का काम है, आप कहीं पैदा हो गए, वोटर आई कार्ड मिल गया, और दुखद है शायद चुनाव आयोग की इतनी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी होनी चाहिए थी, उसने हमें यही बताया कि मतदान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है,
लोकतंत्र में, जबकि वो कई धर्मों में से एक सामान्य सा धर्म है, एक सामान्य सा कर्तव्य है, बहुत ही सामान्य सा, आप ना भी करें तो भी उतनी कोई समस्या नहीं है, बजाय आप मतदान करने के बाद नागरिक बन जाएं और उसके लिए सभी सूचनाओं का संग्रह करें, सूचनाओं को सवालों के साथ देखें, आप देखें कि सवाल पूछे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पकौड़ा तलवा रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो नागरिक होना बहुत मेहनत की चीज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि IIT के इम्तहान की तैयारी के लिए जितनी आप मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़रूर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत आलसी किस्म के रहे, वो मैदान छोड़कर भाग गए, वो नहीं गए, BJP के कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो क्या मेहनत कर रहे हैं? आप इस फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो BJP के कार्यकर्ताओं का है। वो इस राजनीति से क्यों जुड़े हैं? वो इस राजनीति से आए हैं कि उन्हें एक विकल्प दिखता है और अलग अलग समूह अलग अलग राजनीतिक रास्ता तय करता है, लेकिन अगर उसका नेतृत्व उसको फेक न्यूज़ से फीड कर दे, लगातार व्हाट्सएप से उसको कहे कि तुम ये झूठ फैलाते रहो, तो करते करते सबसे पहले वो कार्यकर्ता जो है वो समाप्त हो जाता है। और अब टेक्नोलॉजी से संभव है, आप बता सकते हैं कि जो बोर्ड्स होता है वो वही मैसेज भेज सकता है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है रिडंडेंट होता चला जाएगा, उसकी हैसियत समाप्त हो जाएगी। जब राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो है वो सबसे पहले फेक न्यूज़ का पहला शिकार वो है, क्योंकि वो उसमें बर्बाद होता है। अगर कार्यकर्ता की मानसिक सक्रियता समाप्त हो जाएगी तो राजनीतिक दल के भीतर जो एक चुनौती का ढांचा होता है, एक लोकतांत्रिक ढांचा होता है, बहुत समस्याएं हैं लेकिन फिर भी हमारे राजनीतिक दलों में है, कोई इधर से विद्रोह कर देता है, कोई विरोध करता है, तो वो समाप्त हो जाएगा। जब निर्जीव कार्यकर्ताओं से लैस और उसकी संख्या लाखों में हो कोई राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए तो वो आपके लिए एक नई तरह की चुनौती खड़ी करती है। वो क्या चुनौती है हम नहीं बता सकते, आने वाले समय में या जो अभी अभी सामने आ रहा है क्रम बाय क्रम हम देख सकते हैं। जितिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो अब ये पॉलिटिकल जो IT सेल्स तैयार हो गए हैं और जो फेक न्यूज़ एक वहाँ से भी प्रोपेगेट होने लगता है, क्या ये सभी पार्टियों में समान तौर से यही समस्या है? देखिए, इसमें कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया बजट नहीं है और पूरी कोई सोशल मीडिया आर्मी नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये देखिए, आपको हमको ये समझना होगा कि भारत की इस समय जो स्थिति है, हमेशा एक विचारधारा के लोगों ने कहा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं सब वो गाली गलौज करते हैं, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ अगर कभी कुछ लिखा जाएगा वो सारे के सारे भाजपा के IT सेल वाले और ये ट्रॉल जो है फैला रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिखा गया या भाजपा के नेताओं के खिलाफ लिखा गया तो हमेशा कहा जाता है ये अब कांग्रेस का नया सोशल मीडिया बजट बढ़ गया है, अब ये लोग ज़्यादा फैला रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले इसके पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के अगर खिलाफ लिखा जाता है कहते हैं भाई साहब ये दोनों तो मिले हुए, हम तो हमेशा से आम आदमी है, ये ना ये सारे मिले हुए कहते हैं। मगर आप समझिए, ये मैं दो स्टडी जो हमने करी मैं आपको बता रहा हूँ। एक हैशटैग ट्रेंड हुआ कि बुरहान वानी वॉज अ मार्टर, जो आतंकवादी जिसको कश्मीर मारा गया उसके फेवर में जो है हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। जब हमने उसका एनालिसिस करना शुरू किया तो जिस 3 दिन के अंदर वो हैशटैग ट्रेंड हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन 3 दिन कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद था। कश्मीर के अलावा जो भारत के अन्य राज्य है, मुझे नहीं लगता वहां से कोई बुरहान मारी के सम्मान के अंदर लिखने वाला कोई बहुत बड़ा समूह रहा होगा। और जब सारे हैंडल्स का एनालिसिस किया गया जो ज्यादातर उसको ट्रॉल करा रहे थे, तो वो 80% हैंडल प्रो पाकिस्तानी हैंडल थे, जिसकी 25% हैंडल्स की कंफर्म लोकेशन जो उन्होंने अपने आप खुद लिखा था, कोई लाहौर का है कोई कराची का है। तो आप समझिए, दूसरे देश में बैठे हुए लोग आपके यहाँ पे हैशटैग ट्रेंड कराते और हमारे यहाँ के लोग कहते हैं साहब ये तो बिल्कुल देखिए न्यूज ट्रेंड हो रही है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जो अमेरिका के अंदर हुआ, जो वहां पे क्या किया कि हिलेरी क्लिंटन का सारा डेटा हैक करके, DNC हैक करके, बहुत सारा जो डेटा था जो सच था, जो शायद पब्लिक की नजरों में नहीं आना चाहिए था, जनता को नहीं पता होना चाहिए था, उसको जनता के बीच में रखा गया, जिसके अंदर कुछ अच्छी बातें नहीं थी, जो शायद उनके लिए पॉलिटिकल जो है एक तरह घातक बातें थी, उसको जनता के सामने लाया गया। उसके बाद फेक हैंडल्स बना के उस सच को थोड़ा सा झूठ मिला के, झूठ का मिश्रण करके प्रोपोगेट किया गया। हुआ क्या, लोगों ने देखा कि भाई साहब 60% कंटेंट तो सच है जो हम उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, 40% कंटेंट जो झूठ था, जो वेरीफाइबल नहीं था, उसको न तो किसी ने वेरीफाई किया, और चूंकि संभव ही नहीं था, लोगों को लगा कि 60% सच है तो बाकी 40% बातें भी सच रही होंगी।
तो जब सच का मिश्रण झूठ के साथ किया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। और यही मुझे आज हिंदुस्तान के अंदर लग रहा है, बहुत सारा कंटेंट हमें ऐसा देखने के अंदर आ रहा है। अभी राजनाथ सिंह जी के बारे में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिनके उनके परिवार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें करी जा रही हैं। आप देखिए, आप कोई भी, आप लोग सब जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, आप जाके एनालिटिक्स कीजिए कि उस पर्टिकुलर मैसेज को, एक तो सेम मैसेज को सेम स्पेलिंग मिस्टेक के साथ 1500 लोगों ने ट्वीट किया है, सेम मैसेज है और स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम है, तो एक अनपढ़ों का समूह है। 1500 लोगों में से जो तीन सबसे ज्यादा हैंडल, जिन्होंने सबसे ज्यादा रीट्वीट उसको हैशटैग किया है, उसमें से एक हैंडल है मूसा साहब। मूसा साहब खुद कहते हैं मैं लाहौर से हूं। अब बताइए, मुझे डर यह है कि फेक न्यूज जो शायद चाइना या पाकिस्तान से भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शायद फैलेगी, हम आपस के झगड़े के बीच में हमें ऐसा लगेगा कि ये भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ फैला रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के खिलाफ फैला रहे हैं, और सच शायद ये हो कि बॉर्डर के उस पार बैठा कोई दूसरा व्यक्ति इसको एम्पलीफाई कर रहा है और हम आपस में लड़ते रह जाए। ये भी एक सच है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा वाले नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे असहमत हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप कहते हैं कि भगत सिंह से कोई शायद बड़ा नेता मिलने नहीं गया। प्रधानमंत्री रॉय का एक सेकंड, अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू आया, ठीक, वो किसी पाकिस्तान के रेडियो से चला था और पाकिस्तान के वेबसाइट से चला था, ऑल्ट न्यूज पे ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसको उठा के भारत के खास वैचारिक समर्थकों के वेबसाइट ने उसको छापा, न्यूज बनाया, और उससे कई लोगों ने उसको ट्रेंड करके ट्वीट किया। तो इसके झांसे में कोई भी पढ़ सकता है। वो जरूर चुनौती है कि बाहर के देश के लोग हम सबको लड़ा सकते हैं उस ट्वीट को करके, पर ये इतना निर्दोष व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पिक्चर को मत भूलिए कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है, अगर खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कि एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम को चाटा मारा, वो उदाहरण तो वही दे रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया है। उन्हें इस तरह फैलाई, उसने इसका क्या संभव है, कोई संप्रूफ इसका नहीं, इस तरह का उदाहरण आप कह रहे हैं उन्होंने फैलाई है, मैं दूसरा कहता हूं नहीं, उन्होंने खुद दिया है ये उदाहरण। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैल रही है, हमने फैलाई, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला के लोगों ने ट्वीट किया। आप उसका बयान को ठीक से पढ़िए, मैं उसको निकाल के पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं वो वाली बात भाजपा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, नहीं, मुझे नहीं, लेना देना भी नहीं, नहीं। मगर मैं ये भी कहूं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जाए हमारी पार्टी तेले, वो कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है, पर मैं सच आपको बताना चाहता हूं, और पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, एक सच सुनिए। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ये इतिहास का वर्जन है कि भगत सिंह से मिलने कोई बड़ा नेता नहीं गया, या वो ये कहते हैं, जब ये कहते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी और गांधी जी के कारण आजादी मिली, जो एक इतिहास, मैं भी मानता हूं उनका बहुत बड़ा योगदान था, और बिना खड़क बिना ढाल हमें आजादी मिल गई, हमेशा हमें पढ़ा गया, अगर भारत का प्रधानमंत्री उठ के ये बोलता है कि आजादी के अंदर नॉन वायलेंस के अलावा जो आम स्ट्रगल था उसका भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने भी आजादी में योगदान दिया, तो मुझे लगता है 50 साल से हमें पढ़ाया गया है वो फेक न्यूज़ है। गलत इतिहास की किताब पढ़ी है, मैंने अभी कहा। तो खाली जो आपका इतिहास है कि खाली नेहरू और गांधी जी, आपने कहा कि पटेल साहब ने जब वो बंबई गए उससे पहले अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नेहरू से कितने भी मतभेद हो उनका साथ मत छोड़ना, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए उनके बीच में मतभेद तो थे, तो फिर उसमें फेक न्यूज कहाँ है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है उसको फेक न्यूज की कैटेगरी में मत लेके आइए। इतिहास के वर्जन सुनिए, आप सुनिए, अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो अब उस पर बात करना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे सब बैठे जितने लोग हैं, हम सबके अंदर वो चीज़ है कि आप अपने अपने रुझान के हिसाब से आप तय करते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच है, जो सामने वाला बोल रहा है वो झूठ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति वो कह रहा है आप उसको उसी टाइम समझ लें, उसी टाइम जान लें और उसी को मतलब मान लें कि यही सच है। तो आप सारे लोग वही, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे सामने कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पिटने की संभावना कहीं भी है। इतिहास को जब भी इस भावुकता से पेश किया जाए वो हमेशा ही इतिहास नहीं होता है। कहीं भी इतिहास को अगर आप प्रोफेशनल बड़े हिस्टोरियन की किताबें पढ़ेंगे तो वो किसी का महिमा मंडन बेवजह वो नहीं करता है। राजनीतिक दल जरूर करते हैं, कांग्रेस के पोस्टर पर सरदार पटेल नहीं होंगे, इनके पोस्टर पर होंगे, वो सब करते रहते हैं, लेकिन जो इतिहास की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें खुद ही इतना कंपटीशन है कि एक, मैंने जैसे कहा कि सरदार बोस पे ही कई किताबें राइट लेफ्ट हर तरह के इतिहास के लोगों को लिखे हुए, जिन लोगों ने सरदार भगत सिंह की जेल डायरी और किताबों का संकलन किया है वो और भी लोग थे, मतलब उनका वो कुछ और भी लोग उनसे कहा जा सकता है। तो सरदार भगत सिंह हर जगह हैं,
कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, वो सब जगह हैं। और कई बार जब जाटों का महासम्मेलन होता है तो वहाँ भी फोटो होता है, जैसे कुर्मी जाति का महासम्मेलन होता है, नीतीश कुमार ने किया था 2014 से पहले, तो वहाँ भी सरदार पटेल की तस्वीरें थी। तो हम अपने नेताओं का राजनीतिक स्तर पर अलग अलग करते हैं, लेकिन हम छात्र हैं। अगर आप में से कार्यकर्ता हैं कोई राजनीतिक, तो पूरा आपका अधिकार है, जो आपकी पार्टी का है वो आप मानते रहिए, लेकिन हम छात्र हैं तो हम हिस्ट्री को इस इमोशनल क्वेश्चन से अगर आप देखने लगेंगे तो यही है वो फेक न्यूज, फेक इमोशनैलिटी के ट्रैप में फंसेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। और जो आप देखें कितना आसान है, ताली आपने इनके लिए भी बजा दी, वही जनता मेरे लिए भी बजा दी, तो प्लीज मत कीजिए ये काम। प्लीज रैशनैलिटी को लाइए, तार्किकता को लाइए, थोड़ा सा समझिए हमने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, खुद परखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहां क्या नाइंसाफी हुई है, कहां क्या कुछ हुआ है। ऑक्सफोर्ड ने जिस तरीके से फेक न्यूज को डिफाइन किया है, उनका कहना है कि आपके जो इमोशन, मतलब जो तर्क को इमोशन से जो हटा के सिर्फ इमोशंस के ऊपर बात कर रहा है वही है। तो आप इमोशनल होकर जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो बात हो रही है और अपने अपने रुझान से बात करें, तो आप वही चीज कर रहे हैं। और आपके बायसेस, जो बायसेस होते हैं वो हमेशा फेक न्यूज को फैलाने में बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि आपका किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जाति या किसी भी चीज के प्रति आपका जो बायस है, चाहे पॉलिटिकली क्यों ना हो, तो आप जब उसके बारे में कोई भी फेक न्यूज आएगी आप उसको झट से उस पर विश्वास कर लेंगे और फैला देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनना हम सबको सीखना पड़ेगा, मेरा जो अपना ओपिनियन ये है। मैं सर से बात करना चाहूंगी, जैसे अब बायस की बात हुई, तो जब हम पुलिस के पास जाते हैं जब फेक न्यूज को लेके, जब ये कि अफवाह उड़ी है और इसके बारे में हमें ढूंढना है कि कौन इसको फैला रहा है, तो जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का ये जो किस तरह के बायसेस पुलिस के कैसे काम करते हैं, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। तनवीर जी, देखिए ये बायस की जो आप बात कर रही हैं, ये बायस तो काफी लोगों के अंदर आ गया है, वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। पुलिस महकमे के अंदर उसकी बात, अब लोगों को सरकारी जो भी सेवा में है, पुलिस में है, हमको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए नियमानुसार जो काम है वो करना चाहिए। अभी मैं काफी देर से ये सुन रहा था, मुझे एक शेर बड़ा पुराना याद आया कि वो उनका काम है, वो अहले सियासत जाने, हमारा तो पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो बात पॉलिटिक्स की हो रही है। मैं देखिए ये इतना बड़ा मॉन्स्टर हो चुका है, इसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकते आप। जिस तरह कानून में मैं सोसाइटी पे फिर आ रहा हूँ, चूंकि मेरा दायरा सोसाइटी और सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर रहा है, दो तरह के रॉन्ग होते हैं, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल मेरे आपके बीच में है, प्रॉपर्टी का है, राइट्स का है, पैसे का है, हमारे आपके बीच में है। क्रिमिनल रॉन्ग जो है, इट्स अ रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट। अगर कोई मर्डर होता है, डकैती होती है, हीनस क्राइम होता है, तो उस पर सरकार एक पक्ष होती है, क्योंकि आपने सरकार के कानून को चैलेंज किया है। उसी तरह फेक न्यूज में आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि एक मेरे आपके बीच की चीज है, मैं दवाएं बेच रहा है, कोई सत्संग में बुला रहा है, मगर जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी चली है एक अलग है। बट जिन फेक न्यूज से क्राइम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनको आपको हीनस की श्रेणी में लाना पड़ेगा जी। जब तक उस पर कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक नहीं हो पाएगा ये हैंडल। सर, कड़ा कानून, कर लीजिए कानून अपनी जगह, उसका उसकी जरूरत तो है ही। मैं आपको एक अपने साथ हुआ उदाहरण समझाती हूँ कि मैं एक साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए गई, किसी ने गाली गलौज किया ऑनलाइन मुझसे, तो मैं पुलिस ऑफिसर के पास गई, उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने 55 केस किए हैं साइबर क्राइम के, सॉल्व किए हैं, सब किया है, अच्छे से अटेंड किया। और मैंने उनको बता दिया कि ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपना फेसबुक पे फोन नंबर तक लिख रखा था, अपनी लोकेशन तक लिख रखी थी, सब लिख रखा था। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल इसको ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पक्का पकड़ेंगे। सर वो तो 3 साल हो गए, इस बीच में मुझे देखा कि किसी फेसबुक पे, किसी के प्रोफाइल पर उन पुलिस ऑफिसर ने गाली गलौज कर रखी थी, मतलब ये हुआ है, मैंने सामने देखा है। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रेनिंग है, जो हमारे पुलिस महकमे को जिसको सबसे ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है, वो ट्रेनिंग कहाँ है, क्या उसकी जरूरत है, वो कैसे होती है, नहीं होती है, उसके बारे में आपसे जानना। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी सबको कि हम लोग कितने सीरियस हैं इसको हैंडल करने में। 2012 से साइबर एबिलेट ट्रिब्यूनल एक है आप दिल्ली में, 2012 से उसका चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, 6 साल हो गए उसको, कहाँ अपील जाएगी, कौन सुनेगा। तो मेरा मतलब ये ऐसा नहीं कि हम आप बैठ के ये तय कर लेंगे फेक न्यूज। आप जैसे रवि जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई चुनाव आयोग कहता है कि आपका मताधिकार सबसे बड़ा वो है, आप यूज करिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक होना बहुत जरूरी है।
अगर वो आप नहीं होंगे तो फिर तो ये बढ़ता चला जाएगा। आज बड़ा अच्छा न्यूज आइटम है उसमें आपके जो बीबीसी का ये चल रहा है प्रोग्राम कि फेक न्यूज में टेंडेंसी ये है कि आदमी उसको बजाय इसके वेरीफाई करे कंटेंट्स को सीधे फॉरवर्ड कर देता है। वो ये सोचता है कि भाई मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगला जो है वो चेक कर लेंगे, वो सोचते हैं कि अगला है वो चेक कर लेगा। तो एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन हो गई है उसको फैलाने की, अभी दिल्ली, उसको चेक करना दिल्ली के जो डीसीपी हैं अभी जो पटाखे बैन हुआ वहां पर कि सिर्फ 2 घंटे चला सकते हैं दिल्ली में, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो दिल्ली के एक डीसीपी हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि ये कैसा, मैं क्या सच में इस भारत में हूँ जहाँ पर पटाखा फोड़ने पे जेल हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जय श्री राम जय भारत, ये सब उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद वो जब काफी मीडिया में आया तो उन्हें डिलीट भी करना पड़ा, वो शर्मिंदा हुए इस बात पे। लेकिन सोचिए कि जिन लोगों के पास ये हथियार है, जिनके ऊपर हम जिम्मेदारी है, हमने भरोसा किया है कि वो फेक न्यूज के मामले में लड़ेंगे, उनके पास ही ना इस अपने बायसेस से निकलने की ट्रेनिंग है, ना ऑब्जेक्टिव होने की ट्रेनिंग है, ना ही इसके उनके पास पता है कि उन्हें आगे क्या करना है, तो वो अपने उसी में उलझे हुए हैं कि पटाखे तो छूटने चाहिए भाई भारत में। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन मैं क्योंकि मैंने पुलिस के संदर्भ में बात जानबूझ के कही है। बताइए जितेंद्र, एक चीज आपको हमको सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और नागरिकों की तरह हमें समझनी चाहिए कि 10 साल में जमाना ऐसा बदला है कि 10 साल पहले जब एक नेता की रैली होती थी तो उसकी लोकप्रियता का पैमाना उसकी रैली में जुटने वाली भीड़ थी, और जो उनका संवाद होता था उसका एक अप्रिसिएशन जो फैक्टर होता था वो होता था उनकी भाषण पे कितनी तालियां बजेंगी। अब ये चीज पूरी की पूरी बदल गई है, अब पैमाना नया है, अब आपके ट्विटर पे कितने फॉलोवर हैं ये देख के तो नेता टिकट दे रहे हैं, और आपके ट्वीट को कितने रीट्वीट मिले इसके बेस पे आपकी लोकप्रियता को नापा जा रहा है। तो अब जो फेक फॉलोवर लाने की होड़ लगी है उसके उसको फेक फॉलोवर को लाने के लिए नेता लोग भी जान बुझ के ऐसी भड़काऊ बातें लिखते हैं, चाहे लोग उनको गाली देने आए चाहे समर्थन देने आए, कम से कम फॉलो तो करें। इसलिए आप और हमारी सबकी अब जिम्मेदारी है चुनाव के बीच में, अगर आप ट्विटर पर किसी भी हैंडल को देखें जो गाली गलौज कर रहा है आपके साथ नहीं किसी और के साथ भी, तो ट्विटर के ट्वीट के नीचे एक अब्यूज बटन होता है, आप उसको तुरंत अब्यूज रिपोर्ट करना शुरू करें। ट्विटर के अंदर जब भी 100-150 लोग व्यक्ति को अब्यूज करते हैं तो उसके अकाउंट को ब्लॉक या वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो कम से कम आप और हम मिलकर एक फैसला जरूर करें, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के हो किसी भी कार्यकर्ता किसी भी विचारधारा के हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ, अगर आपको गाली गलौज करता हुआ पाया गया तो आप तुरंत उसको अब्यूज रिपोर्ट करें। धन्यवाद। ये बात मैं भी सहमत हूं कि खुद भी सोचिए कि क्या आप इन नफरत की बातों से फेक न्यूज की बातों के हटा के क्या आप किसी नेता को पसंद नहीं कर सकते, आप इतने कमजोर कब हो गए, है ना? तो एक बात ये सोचिए। दूसरी बात, पूरी तरह से सहमत हूँ और ये करना चाहिए, आपको करना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आप पे कब्जा करने की लड़ाई है। ठीक, न्यूज चैनल जरा सावधानी से देखा कीजिएगा वरना कब आप दंगाई बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही टॉपिक छेड़ दिया। एक लाइन और, एक लाइन और, असहमति ये है कि अभी भी रैलियां खत्म नहीं हुई है, नेता को पता है असली राजनीति वही है। तो ट्रंप साहब के अमेरिका में अभी ट्रंप साहब ने 30 के करीब रैलियां की हैं अभी, जिसमें अभी जो चुनाव खत्म हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो नेता पता है कि जनता ये है, लेकिन वो सोशल मीडिया से कर ये रहा है कि पहले और बाद में उसको बदलने का प्रयास कर रहा है। तो रैलियां अभी कम नहीं हुई है, सोशल मीडिया का एक पावर जरूर आ गया है। तीसरी बात यह है कि आज मालवीय जी की पुण्यतिथि है और हम मालवीय सभागार में हैं, तो आप ही बता सकते थे। नहीं, एक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कोट है, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और तब मीडिया की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी और मीडिया की भी सरकार नहीं थी, और ये अच्छा स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन देखिएगा कि लोकतंत्र इतिहास में कई बार खतरे में पड़ा है और कई बार उभर कर भी आया है, तो ये एकदम इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी आपकी जरा सी गफलत से आपका लोकतंत्र बर्बाद हो सकता है आपके योगदान से। तो और मीडिया किस तरह का खेल करता है कि पहला एडिटोरियल है उनका प्रताप साहब का, प्रताप अखबार में जो कानपुर से निकला था गणेश शंकर विद्यार्थी का, वो लिख रहे हैं, वैसे अभी यहाँ पूरा अंधकार नहीं हुआ है किंतु लक्षण वैसे ही दिखते हैं, ये 1913 है। इसके बाद यहाँ के समाचार पत्र भी मशीन के समान हो जाएंगे और उनमें काम करने वाले पत्रकार मशीन के पुर्जे, इसके फलस्वरूप ना व्यक्तित्व रहेगा और ना ही सत्य असत्य का अंतर। कितने महान व्यक्ति थे। अन्याय के विरुद्ध डर जाने और अन्याय के विरुद्ध लड़ जाने और न्याय के लिए आफतों के बुलाने की चाह नहीं रहेगी। आप इतने कमजोर हो जाएंगे, जैसे आप पूछते ना आप इतना कैसे बोल लेते हो, ये सवाल ही आपको बताता है कि आप एक नागरिक के रूप में समाप्त हो चुके हैं, सरकारों ने आपको डराकर समाप्त कर दिया है।
तो ऐसा सवाल कभी किसी से मत पूछिएगा, ये कहिएगा मैं जितना नहीं डरती हूं उससे कम तुम क्यों डरते हो, ये सवाल पूछा कीजिए। तो ये लिख रहे हैं कि सिर्फ रह जाएगा खींची हुई लकीरों पर चलना, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कथन है। तो हमको याद रखना चाहिए भारत के टेलीविजन को, खासकर हिंदी अखबारों को, हिंदी टेलीविजन को बहुत ही सावधानी से देखिए, अगर ज़रा सी चूक आपने की तो आप जिन महान लोगों की कुर्बानियों पे, उनकी मूर्तियों पे शान करते हैं, उनकी शान में आप गुस्ताखी कर देंगे। जी रवीश, आखिरी सवाल आपसे ही होगा वो, क्योंकि हम ओपन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आपकी फ्लाइट है, जहाज छूट जाएगा मेरा, जहाज छूट जाएगा, लेकिन हम अपनी जो, क्योंकि हम मीडिया से हैं, आप हैं, हम हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी से तो ये बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या ये जो पूरा जो दीमक जो खोखला किया है फेक न्यूज के दीमक ने इस लोकतंत्र को, उसमें मीडिया का आज कितना बड़ा हाथ नहीं, है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोगों, कम पढ़ रहे हैं। मीडिया ने ही सिखाया कि किससे आपको सवाल नहीं करना है, मीडिया ने ही बहुत सारी खबरें गायब कर दी, तो जो नो न्यूज है वो भी एक तरह का फेक न्यूज है, कि अगर आप असली चीजें ना जान के कुछ और चीजें जान रही हैं या आपको बताया जा रहा है। आप हिंदी अखबारों को देखिए, पढ़िए ध्यान से, बहुत एक से एक काबिल पत्रकार हैं, मतलब इतने धुरंधर हैं कि पसीने छुड़ा दें नेताओं के और सरकारों के, लेकिन उन सब के हाथ बांध दिए गए हैं, वो सब मिलते हैं तो ऐसा ऐसी तड़प है, उनकी तड़प को मैं थोड़ा सा जी लेता हूं ज्यादा, पर अगर आप उनका साथ देंगे तो यही पत्रकार बदल देंगे आपके लोकतंत्र को। नेताओं में बहुत क्षमता होती है, हमारा न्यूज चैनल खासकर और मीडिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मुझे पिछले चार साल में दिखा है और उसके पहले जिस तरह से उसमें गिरावट आ रही थी, वो बहुत होशो हवास में सोच समझ के भारत के इस अर्जित लोकतंत्र को, जिसको पाने के लिए लोगों ने काला पानी की सजा भुगती, उसको बर्बाद कर रहा है। ये बात मैं ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ताली मत बजाइएगा, आपके अखबारों के संपादक, आपके पत्रकार, उनके मालिकान, ये सब मिलकर इस लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर आप बतौर नागरिक नहीं उठकर खड़े हुए, इस झूठ से नहीं लड़ पाए, लड़ाई आपकी है कि क्या आप इस झूठ से लड़ पाएंगे, और हारना आपकी नियति है, तो आप इस नियति को बदल पाएंगे। 150 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम नियति को बदल पाएंगे, लेकिन लंबी लड़ाई थी तो बदली थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन न्यूज़ चैनलों की हरकतों को समझें, इनके जो स्लोगन्स हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें हो रही हैं, क्या आपने यही हिंदुस्तान चाहा था? वो तो जो हो गया 1947 में, वो क्या आपको 2019 में फिर से चाहिए? क्यों चाहिए? और फिर जो सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी वाले, उनको क्या चाहिए? उनको तो नौकरी चाहिए ना। तो अपने सवालों को मत बदलने दीजिए, मत भटकने दीजिए। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हिंदी न्यूज चैनल आपको बर्बाद कर रहे हैं, सबसे पहले आपको दंगाई बना रहे हैं। भी आ गए उसमें, और अंग्रेजी भी आ गया, पर मैं हिंदी का हूं तो मैं उसकी खबर ज्यादा रखता हूं, पर आप अंग्रेजी से भी, और ये बात कोई लाग लपेट कर नहीं है, आप अगर जरा सतर्क हो जाएंगे तो यही सब चीज अच्छा हो जाएगा, और आपके नेताओं में बहुत संभावना है कुछ नया और बड़ा कर देने के लिए, उनके पास लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप अपना सही डिमांड जरा सा बड़ा कीजिए, इन भावनात्मक मुद्दों को छोड़िए। शर्म आनी चाहिए कि एक फिल्म पे पद्मावत पे इस देश में 3-3, 4-4 हफ्ते चर्चा हुई है, और लड़के लाठी खा जाते हैं यहाँ पे नौकरियों के लिए, उसकी एक तस्वीर टीवी पे नहीं चलती है। अगर ऐसा भारत, अगर ऐसा मीडिया आपको चाहिए, आपको मुबारक। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आपने अपने गर्दिश के दिन तय कर रखे हैं, शायद उसका बुलावा जो है वो आप और तेजी से चाहते हैं कि वो और जल्दी आ जाए, ताकि हम बर्बादी जो है जिसकी हमने चाह की थी हम ओढ़ लें। अब हमको जाने दीजिए जी, शुक्रिया आप सभी गेस्ट का।